पवन जी, आपके स्टेटमेंट पे कुछ कहना है जो काफी नोटिस है जी, सही वक्त पे जो मुझे बोला उनका बोला। लेकिन एफआईआर तो उसी के बेसिस पे हुआ, मल्टीपल शहरों में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी है, बट आई थिंक कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कानून प्रणाली पर पूरा भरोसा है, इस देश, इस महान देश के लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है। विल यू बी टेकिंग बैक योर स्टेटमेंट, बैक योर स्टेटमेंट पवन जी? एज़ आई सेड, दिस इज़ अ सब जूडिस मैटर, आई विल नॉट कमेंट। कैमरा पीछे कर ले। ओके 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 ओके। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी और मेरे भाई भाई पीछे करो यार, मेरे नेता राहुल गांधी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई बड़ी अहिंसक लड़ाई है, उस लड़ाई में हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस देश को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। Were you informed by the Assam police to join the investigation? No information, no notice. In fact, even the FIR was supplied to us 2-3 hours later in this very court. Yeah. जिन्होंने कहा कि मैं अभी कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी, वो जिस लड़ाई के लिए, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम लगातार अग्रसर हैं, उनके साथ हैं। तो पवन खेड़ा जिन्हें पहले, जैसा उन्होंने कहा भी कि पुलिस की तरफ से ना ही पहले किसी तरह की कोई रिपोर्ट दी गई, ना ही अग्रिम कोई सूचना दी गई, बिना किसी सूचना के ये गिरफ्तारी की गई है। पहले आपको बता दें, आज जिस तरह से एयरपोर्ट पर उनको रोका गया, प्लेन में चढ़ने से रोका गया, उसके बाद कांग्रेस में एक अलग आक्रोश नजर आ रहा है। जो तमाम नेता इस अधिवेशन में जा रहे थे कांग्रेस के, वो सभी नेता वहां मौजूद थे। और वो सभी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच ये सूचना भी मिली कि गिरफ्तारी करने के लिए असम पुलिस आ रही है, गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन अब उनको जमानत मिल गई है। और अब ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अमित जी, अब पवन खेड़ा फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जो नेता राहुल गांधी हैं, उनके साथ इस लड़ाई में लगातार चलते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी है, और जो रेगुलर बेल है उनकी, रेगुलर जमानत के लिए उनको निचली अदालत ही जाने को कहा है। हालांकि पवन खेड़ा ने इस बार कोई टिप्पणी उसके बाद की नहीं है, क्योंकि मामला अब अदालत में है और न्यायालय के अधीन है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर कांग्रेस काफी एग्रेसिव है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने भी, आपने देखा किस तरह से उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, और पूरे कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है कि क्यों इस तरह की हरकत की गई एयरपोर्ट पर। तो जाहिर सी बात है, अब ये अदालत में है। हालांकि एक सुविधा कांग्रेस को मिली है, पवन खेड़ा को मिली है, कि ये सारे जो मामले हैं वो क्लब कर दिए गए हैं। असम में 19 जगहों पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है, और एक मुंबई में हुआ, एक लखनऊ में हुआ। ये सारे मामले उनके क्लब हो गए हैं, और इन सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक ही जगह सुनवाई हो। तो अब ये राहत की बात है कांग्रेस के लिए, और वो स्पष्ट हो जाएगा कि पवन खेड़ा के ऊपर जो कार्रवाई, जो जिस मंशा से वो कार्रवाई करवाई गई है, वो अब अदालत देखेगा कि उसमें पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत है, या उसमें कानूनी जो अधिनियम है, प्रक्रियाएं हैं, वो उसको ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल अमित जी, लेकिन अब इस अधिवेशन पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, कितना आक्रोश नजर आएगा, और जब संबोधन होंगे या बातचीत होगी, कितनी बातचीत इस पूरे जो घटनाक्रम को लेकर है, आक्रोश, गुस्सा दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए, मैं रायपुर में हूँ इस वक्त, और यहाँ पर काफी अधिवेशन को लेकर जोश है। एयरपोर्ट से लेकर स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक हर जगह पार्टी के झंडे, कार्यकर्ता, तमाम लोग नजर आ रहे हैं। और उनमें सबसे ज्यादा जो आज चर्चा का विषय है, वो पवन खेड़ा को जिस तरह डिटेन किया गया एयरपोर्ट से लेकर और उनको न्यायालय तक जाना पड़ा, वही चर्चा का विषय है। जाहिर सी बात है कि रायपुर में जो कल से अधिवेशन शुरू हो रहा है और 26 तारीख के शाम तक चलेगा, उसमें ये चीजें छाई रहेगी। और मुझे लगता है अपने अध्यक्षीय भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इस वक्त रायपुर पहुंच चुके हैं थोड़ी देर पहले, वो जरूर इस चीज का उल्लेख करेंगे, क्योंकि बार बार ये चीजें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस इसको एक एग्रेसिव मोड में ले जाने की कोशिश करेगी, और उसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से निश्चित तौर पर आएगी। अमित जी, क्योंकि अब देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू होंगी, राहुल गांधी के लिए पवन खेड़ा ने अभी कहा कि राहुल गांधी
जिस राह पर चल रहे हैं, भारत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसी पर चलेंगे। मैं अभी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। तो क्या ये माने कि अब इस पूरे मुद्दे पर सीधे राहुल गांधी ही बोलेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी भी बोल सकते हैं और कांग्रेस के जो महासचिव हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया ही आपने देखा। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं संगठन के, उन्होंने हमसे खास बातचीत एयरपोर्ट पे की थी, उन्होंने भी इस चीज की अनभिज्ञता जताई थी। और कुल मिलाकर पार्टी ये चाहती है कि अब इस विषय में एक बड़ा बयान बड़े नेता की तरफ से और पार्टी पोडियम की तरफ से यानी पार्टी के मंच से जाए, और उसका इंतजार है कि कल जो पार्टी की प्लेनरी कमेटी का मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद पार्टी के तमाम अधिकारियों की बैठक है और उसके बाद इस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया आएगी, और वो भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएगी कांग्रेस पार्टी के मंच से। बिल्कुल, और ये हो सकता है कि जैसे ही अधिवेशन शुरू हो उस शुरुआत में भी इसका जिक्र किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी पूरी जानकारी के लिए।